आने वाले दो वर्षों में भागलपुर वासियों को पटना जाने के लिए दो फोर लेन सड़क मिलेगी। पहली मिर्जा चौकी से मुंगेर होते हुए पटना पहुंचेगी, जबकि दूसरा फोर लेन मोकामा, खगड़िया और पूर्णिया को जोड़ेगा। वहीं शेष बचे 15 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। उक्त बातें प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कही। इस संबंध में उन्होंने बताया कि खगड़िया से पूर्णिया तक रोड का सेंसन हो चुका है और जल्द ही इस पर काम चालू होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश के बाद शहर के जर्जर हो चुके सड़कों की भी मरम्मत कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विक्रमशिला सेतु पर समानांतर पुल बनने के बाद राहगीरों को जाम से निजात मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने संडिस कंपाउंड के सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर होने के बाद काम शुरू होने की बात कही। परमंडलीय आयुक्त ने सूखे पेड़ों को चिन्हित करने के साथ साथ सभी जर्जर सरकारी स्कूल तथा भवनों की जांच कराए जाने की भी बात कही। सनमार्ग के लिए भागलपुर से राजीव सिंह की रिपोर्ट। स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद भी एजेंसी काम करना शुरू कर देगी, जैसे अगवानी घाट में काम हुआ। तो फोर लेन ही बनेगा ना, मतलब अभी तो वैसा वो नहीं है, लेकिन देखिए पूरा इस डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको दो फोर लेन मिलेंगे, तो फ्यूचर में बता रहा हूँ, दो साल के बाद एक मुंगेर मिर्जा चौकी मिलेगा जो कि आप इस तरफ से आएंगे, और दूसरा फोर लेन जो पटना जाने के लिए होगा वो लखीसराय से मोकामा फोर लेन जुड़ेगा, वो आएगा खगड़िया और खगड़िया से पूर्णिया फोर लेन, और उसके बाद में आप इस फोर लेन से सिटी के अंदर आएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि पटना जाने के दो फोर लेन के रास्ते आपको अगले दो साल मिलेंगे। एक होगा मुंगेर मिर्जा चौकी, ठीक है, और दूसरा होगा लखीसराय से चली जाएगी खगड़िया, मुंगेर होकर के खगड़िया, और खगड़िया से पूर्णिया तक फोर लेन सैंक्शन हो गया है, तो उसके बाद ये बचा 15 किलोमीटर, तो जमीन भी है तो वो भी फोर लेन होगा। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फोर लेन की ब्रिज, उसके ऊपर में काम अब स्वीकृति हो गई है तो काम जल्दी स्टार्ट होगा। तो हम तो हर हफ्ते ब्रीफ कर ही देते हैं, पता चलता है, बाकी यदि इमरजेंसी में भी बात करना हो तो कोई व्यक्ति मिलता नहीं। इमरजेंसी में क्या बात करें, जैसे बीच में से इस हफ्ते के बीच में भी कोई बात करनी है तो उस वजह से बात नहीं हो पाती है। ये कहना था कि आप जल्दी जो भी करिए जल्दी करिए। स्विमिंग पूल की बात थी तो स्विमिंग पूल भी एक हो गया, और उसके बाद स्विमिंग पूल की बात थी, उसके बाद दोनों जो मतलब मेरा ज्यादा फोकस है कि जो सैंडीज में जो हरियाली सैंडीज की जो असली संसाधन तो उसके वृक्ष हैं, तो उसको आप संवर्धन करिए। असली उसका असली संसाधन जो है वो उसके तालाब हैं, आपका वॉकिंग स्पेस है उसको आप प्रिजर्व कीजिए, और बाउंड्री वाल को अच्छा बनाइए ताकि सैंडीज अंदर से भी सुंदर देखिए और चारों तरफ जो स्मार्ट रोड बनेगा उसके उससे भी अंदर। तो मेरा ये लिमिटेड बात थी, लेकिन फिर उनके तरफ से भी बातें आई कि स्विमिंग पूल और अन्य जो चीज़ें हैं तो वो भी वी एग्री, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इन सारी बातों पर बहुत लंबी डिस्कशन होने के बाद में वी हैव अप्रूव कि इसको आप जितना जल्दी हो जाए कर दीजिए। तो अब जो PDMC हैं उनको बनाना है RFP, डिजाइन प्रेजेंटेशन वो दे चुके हैं शहरवासियों के समक्ष और सब लोग एग्री कर चुके हैं ब्रॉडली, और अन्य जो कुछ बातें थी उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। उसके बाद वो बैठक जून में हुई और ये हम सितंबर में, तो आई एग्री कि उसमें विलंब हुआ।